निजामई कड़ा कौशाम्बी उत्तर प्रदेश की घटना है, जहां लगभग 500 से अधिक दलित परिवार के लोग रहते हैं। इन्हीं लोगों के बीच में गुलकी नामक एक गरीब महिला रहती है, जिसके पास कोई जीने का सहारा नहीं है और उसके पास कुछ खेती बाड़ी भी नहीं है और उसका एक बच्चा गंगा में भी डूब के मर गया है। गुलकी की तरीके और भी लोग हैं, इनमें हुगलाल, राजरानी, रामपति जैसे तमाम लोग हैं जिनको वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। अरे हमार बहुत समय से खराब ही, हमार कमाने वाला हमरे को भाई थे, हमार मनई भी खत्म हो गए हैं, हमका नहीं मिलती है पेंशन, हम बहुत धौरा प्रधान के लग कहाँ हमका बनाए। तो आपको पेंशन ना मिलने से आपको क्या समस्या हो रही है? हमका बहुत समस्या हो रही कि हम खाने तक का सब कहो को तबा रही थी, बीमार हो जाई थी तो एक पैसा नहीं रहता हमरे पास, हमारा लड़का भी खत्म हो चुका जमुना में डूब के। मेरी उम्र 60 साल हो चुकी है और मुझे पेंशन नहीं मिल रही। मैं कई बार प्रधान जी से प्रयास भी किया लेकिन कोई मेरी सुनाई नहीं हो रही। अगर पेंशन मिल जाती तो मेरा कुछ खर्च चलता। हमको पेंशन नहीं मिलती, दसियों बार जा चुके, कोई सुनाई नहीं होती, प्रधान कोई सुनाई नहीं करता। मैं ये चाहता हूँ कि गुलकी की तरीके तमाम लोगों को वृद्धा पेंशन का लाभ मिले ताकि इनकी स्थिति में थोड़ा सा सुधार आ सके, और ये इनका हक भी है। यदि इनको पेंशन मिल जाती तो इनकी स्थिति में कुछ सुधार हो जाता। ये लाभ खंड विकास अधिकारी द्वारा भी दिलाया जा सकता है और इनका मोबाइल नंबर है 9918775000 पर कॉल कर दबाव डालने में मेरी मदद करें। मैं महेश कुमार, निजाम मई, कड़ा कौशाम्बी से, इंडिया अनहर्ड के लिए।